आज हम पहले अरिथमेटिक मीन विद ग्रुप डेटा, ये जो आपके ऊपर रियल है ना सर, आप ग्रुप में जाएंगे तो इसके लिए पालता है नंबर एक डायरेक्ट मेथड, नंबर दो इनडायरेक्ट या शॉर्टकट या बाज राइटर ने इसको स्टेप डायलेशन भी बोला है, थर्ड मेथड है कोडिंग एंड स्केलिंग। इसका पहले फार्मूला बनेगा एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, इसका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ बी एफ बी ओवर सम ऑफ एफ, इसका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी एफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब हम करते हैं क्वेश्चन पर उत्तर पाते हैं, ये हमारे पास इस तरह क्लासेस दी होंगी। ये फ्रीक्वेंसी साथ दी होगी, ठीक है। क्लासेस फर्ज करें, इधर से हम शुरू करते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। जबकि फ्रीक्वेंसी है 10, 20, 40, 60 और 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा सम ऑफ एफ आ जाएगा आपका, इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। अब सबसे पहले इस मामले के तहत अगर देखें तो सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ हमारे पास आ गया, एफ एक्स नहीं है, ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स नहीं है, तो इसके लिए पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कहते हैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ लास्ट बाउंड्री, ठीक है, इन दोनों को जमा कर दीजिए, लोअर बाउंड्री जमा अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो ये आपका एक्स निकल आएगा, यानी इन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, दोनों के जमा करते 30, ऑटोमेटिकली 20 का डिफरेंस है, 20 ऐड कर देना है 50, 70 और 90, ठीक है। अब एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो इसको एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बराबर आ जाएगा एफ एक्स 10 10 100, 2 3 600, 5 4 20, 2 6 7 42 और 9 5 45, ठीक है। जो नहीं चाहिए होता वहाँ पर ये वाली इस तरह लाइन का, अब इसको जमा करें तो ये आ जाता है आपका 6 1 7 2 9 5 14 4 4 8 10 11। देखिए क्या करें, 11,400 सही है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 11,400 डिवाइडेड बाय 180, 2 9 नहीं सर, ये वाला 2 9 ये वाला 2 9 वो डबल डबल जीरो नहीं, तो आपने गलत जमा किया, 4 4 8 10 10 और 1 11 11 400, ठीक है। आप इसको डिवाइड करें जरा कितना आता है, 2 9 4 11, इधर दोबारा जमा करें 4 to the 500 प्लस 4 to the 200 प्लस 2000 प्लस 600 प्लस 100, इलेवन 400 ही आता है, डिवाइडेड बाय 180 करेंगे 63.33, ये इसका आंसर आया, ठीक है। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, ए होता है सी होम्ड मीन, पहले मैंने बताया था पहले वीडियो में भी ए
ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप मिडल वैल्यू फाइंड कर लें एक्स की। तो हम रखते हैं यहाँ पे ए जो है हमारा 50 है, ठीक है। अब डी जो होता है डी उसका फार्मूला बराबर होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स माइनस ए ये एक्स की वैल्यू है, इन सब में से ये ए माइनस करते हैं, यानी 10 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 40, 30 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 20, 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, 70 माइनस 50 इक्वल टू 20, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। इसको हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने एफ डी का मजमुआ हमें चाहिए, तो हम सम ऑफ एफ डी करेंगे। इसके लिए हमें फिर f को ये f है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा एफ डी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये वाला बराबर आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4000 माइनस 12000 और ये जीरो और ये आ जाएगा 0000 2 4 4 4 8 4000। इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा एफ ये वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 400 माइनस 400 जीरो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1200, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 2000, ठीक है माइनस 400, ठीक है। तो अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2400। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए हमने फर्ज किया हुआ है 50 प्लस 2400 एफ डी सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ है 180। करें इसको जरा क्या आता है 50 प्लस 13.33, तो इसको हम जमा करेंगे तो 63.33। मैंने आपको पहले भी अनग्रुप डाटा में बोला था कि दोनों के आंसर सेम आएंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपने मेथड गलत यूज़ किया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, ए हमारे पास मौजूद है, सम ऑफ एफ मौजूद है, एफ यू नहीं है और एच नहीं है। एच कहते हैं क्लास इंटरवल, क्लास की डिफरेंस या डिफरेंस बिटवीन द टू कंजक्टिव वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हम इसको क्लास इंटरवल लिख देते हैं। तो ऑटोमेटिकली किसी एक वैल्यू में या इन दोनों की वैल्यू में कंजक्टिव वैल्यू में कोई भी फर्क देखने कितना है, तो हम ये पहले दो में से देखते हैं 30 माइनस 10, हमेशा बड़ी वाले में से छोटी माइनस करनी होती है, तो ये आ जाता है 20, ठीक है। अब एफ यू जो है वो बराबर होता है एफ यू बराबर होता है एफ डी डिवाइडेड बाय एच। तो अगर आप देखें एफ डी हमने मालूम किया हुआ है तो ये एच की वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना है, माइनस 400 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 20 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 20 जीरो डिवाइडेड बाय 20 जीरो 1200 डिवाइडेड बाय 20 ये आ जाएगा 60। फिर इसी तरह 2000 डिवाइडेड बाय 20 तो ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब इसको जमा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ए हमने फर्ज किया हुआ है आपके सामने 50, वही वाला ए हमने कंटिन्यू करना है, नया नहीं इसके लिए लेना हमने। एफ यू है 120 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ 180 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3.33 63.33। आंसर जो है वो सेम ही आया, कोई आंसर में फर्क नहीं है। yes. कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर।